हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हमें देखना है कि अगर हमें कुछ वेवफॉर्म दिया जाता है, इस तरह वेवफॉर्म दिया जाता है तो उसका एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो ये एवरेज वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम चार स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं, जिससे पहले स्टेप में हम फाइंड करने वाले हैं कि वेवफॉर्म जो दिया गया है वो सिमेट्री है या नहीं है। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम फाइंड करने वाले हैं कि जो वेवफॉर्म दिया है उसके एक साइकिल का टाइम कितना है या ड्यूरेशन कितना है। थर्ड स्टेप में हम चेक करने वाले हैं कि ये पूरा एक साइकिल है वो कंटिन्यूस कर्व है कि नहीं। अगर कंटिन्यूस कर्व नहीं है तो उसका हमें कुछ पार्ट में डिवाइड करना होगा। लेट्स से देयर आर डिफरेंट इंटरवल्स, और हर एक इंटरवल्स में क्या इक्वेशन है कर्व का वो हमें लिखना है। फोर्थ स्टेप में हमें एक्चुअल फार्मूला यूज़ करना है, आइदर दिस और दिस। हमें ये फार्मूला यूज़ करना है अगर स्टेप वन में हमारा जो वेवफॉर्म है वो सिमेट्री है तो, हमें ये फार्मूला यूज़ करना है अगर हमारा वेवफॉर्म सिमेट्री नहीं है तो। तो वेवफॉर्म सिमेट्री क्या होता है, नॉन सिमेट्री क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ वन सेकंड कैसे फाइंड करना है वो अभी हम देखेंगे। अभी हम ढूंढेंगे कि दिया गया वेवफॉर्म है वो सिमेट्री है या नहीं सिमेट्री है, कैसे चेक करना है, और ड्यूरेशन ऑफ वन सेकंड कितना होता है वो भी देख लेंगे। जैसे कि पहला वेवफॉर्म इट्स प्योरली साइन वेवफॉर्म। हमें जब फाइंड करना होता है कि सिमेट्री है या नहीं सिमेट्री है तो हमें चेक करना होता है कि एक एक्सिस के ऊपर कितना एरिया है जो हम मानेंगे पॉजिटिव एरिया, एक एक्सिस के नीचे कितना एरिया है जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव एरिया। ये प्योरली साइन वेवफॉर्म है। जो पार्ट है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2 pi, ये पार्ट हमेशा रिपीट आने वाला है, ये एरिया। उसमें जो अपर पोर्शन है वही एरिया लोअर पोर्शन है। उसका मतलब पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया पूरे एक साइकिल के लिए पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया कैंसिल हो जाएगा, आउटपुट आएगा जीरो। हमें जब फाइंड करना होता है ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल तो वो पार्ट विच इज़ बीइंग रिपीटेड, एंड दूसरा है सिमेट्री है या नहीं सिमेट्री है, तो अपर पोर्शन एरिया इज एग्जैक्टली इक्वल टू लोअर पोर्शन एरिया, तो हम बोलेंगे कि वेवफॉर्म ही सिमेट्री वेवफॉर्म है। दूसरे वेवफॉर्म में जो दिया है उसमें ट्रायंगल्स है, फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल, तो जो ट्रायंगल्स है वो रिपीटेडली आ रहे हैं। जो रिपीटेडली आ रहे वो है ड्यूरेशन 0 to 2, तो हम बोलेंगे जो एरिया है 0 to 2 है तो उसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल इज अ 2। इसमें सिर्फ अपर पोर्शन है एरिया का, लोअर पोर्शन कुछ है नहीं, तो वेवफॉर्म जो है वो अनसिमेट्री है। तीसरे वेवफॉर्म में ये जो पार्ट है 0 to π तक, ये पार्ट हमेशा आ रहा है, उसका मतलब 0 to π इज द ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल, एंड वेवफॉर्म सिमेट्री है या नहीं सिमेट्री है। इधर कुछ लोअर पोर्शन नहीं है, एक एक्सिस के नीचे कुछ एरिया नहीं है, जो सभी एरिया है वो ऊपर के पार्ट में है, तो जो वेवफॉर्म है वो है अनसिमेट्रिक वेवफॉर्म। अभी आएंगे हम फोर्थ वाले वेवफॉर्म में, जिसमें एक साइकिल है 0 to 8 तक, क्योंकि ये जो पार्ट है 0 to 8 वो रिपीटेडली आने वाला है, तो हम बोलेंगे 0 to 8 इज़ द ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल। उसमें जितना एरिया अपर साइड है उतना ही एरिया लोअर साइड है, तो उसकी वजह से हम बोलेंगे जो वेवफॉर्म है वो सिमेट्री वेवफॉर्म है, क्योंकि पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया बोथ आर सेम। इन फिफ्थ वेवफॉर्म द पार्ट विच इज़ बीइंग रिपीटेड इज़ फ्रॉम 0 to 2 pi, ये लोब और ये स्ट्रेट लाइन, ये पार्ट हमेशा बार बार आने वाला है, तो उसकी वजह से जो ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल है 0 to 2 pi, उसका मतलब 2 pi इज़ द ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल है। उसमें सिर्फ पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया कुछ नहीं है, दैट्स वाई वेवफॉर्म इज अ अनसिमेट्रिक वेवफॉर्म। इसमें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो पार्ट है बार बार आने वाला है, उसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल है 0 to 2, उसका मतलब 2 seconds। जो अपर एरिया है इसका हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं, जो लोअर पार्ट है और लोअर एरिया है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। अपर एरिया एंड लोअर एरिया अगर आपने फाइंड किया तो वो अलग अलग आ जाएगा, सेम नहीं आएगा, तो उसकी वजह से जो वेवफॉर्म है वो अनसिमेट्रिक वेवफॉर्म है। तो हमने अभी चेक किया हाउ टू फाइंड वेदर वेवफॉर्म इज सिमेट्री और अनसिमेट्री, एंड वी हैव ऑल्सो फाउंड हाउ टू फाइंड ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल। तो ये ध्यान में रखते हुए हम जो हमारे चार स्टेप्स है उसको फॉलो करेंगे। अभी हमें एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है वो हमें देखना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमें एक वेवफॉर्म दिया है जो एक्चुअली प्योरली साइन वेवफॉर्म है। 0 to 2 pi इज अ ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल, एंड जैसे हमने देखा कि ये वेवफॉर्म जो है वो सिमेट्रिक वेवफॉर्म है, तो उसका एवरेज वैल्यू कैसे ढूंढना है वो हम देख लेंगे।
हमें ये चार स्टेप्स अलग अलग फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप हमें चेक करना है कि वेवफॉर्म सिमेट्री है या नहीं सिमेट्री है। एज आई टोल्ड यू कि ये प्योरली साइन वेवफॉर्म है, जितना पोर्शन एक एक्सिस के ऊपर है उतना ही पोर्शन एक एक्सिस के नीचे है। उसका मतलब पॉजिटिव एरिया एंड निगेटिव एरिया बोथ आर सेम, सो वेवफॉर्म इज अ सिमेट्रिक वेवफॉर्म। तो वी हैव टू मैंशन दैट। उसके बाद देखेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल कितना है। इस वेवफॉर्म में ये जो पार्ट है रिपीटेडली आने वाला है, तो उसका मतलब है ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल इज अ 2π। सो सेकंड स्टेप में हमने ढूंढा कि ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल इज अ 2π। थर्ड स्टेप में हमें लिखना है कि फॉर ईच ड्यूरेशन व्हाट आर द डिफरेंट इक्वेशंस। हमारा जो पूरा साइकिल है ये कंटिन्यूस वेवफॉर्म है, जहाँ किधर कट नहीं है या इरेगुलर शेप नहीं है उसका। तो उसका मतलब फ्रॉम 0 to 2π इक्वेशन इज ओनली वन, दैट इज अ इक्वेशन ऑफ साइन वेवफॉर्म। तो वो हमें लिखना है कि थर्ड स्टेप में, हमारा थर्ड स्टेप था डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर ईच इंटरवल। हमारे पास जो इंटरवल है वो एक ही है 0 to 2π। तो हम इक्वेशन लिखेंगे वी इज इक्वल टू, हमारे केस में वी दिया है लेट से, सो वी इज इक्वल टू वी एम इन टू साइन ऑफ थीटा इज अ इक्वेशन फॉर एंटायर वन साइकिल। उसके बाद हमें डिसाइड करना है ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। एज वी हैव फाउंड कि गिवन वेवफॉर्म इज अ सिमेट्रिक वेवफॉर्म, तो हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो ये वाला यूज़ करना है। तो वो यूज़ करने के लिए हमें फॉर्मूला पहला लिखना है हाफ ऑफ द बेस लेंथ, उसका मतलब हाफ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल। उसका मतलब मैं इधर लिखूँगा हाफ ऑफ द बेस लेंथ इज 1/π। मैं 2π नहीं लेने वाला, मैं लेने वाला हूँ पाई, बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल इज अ 2π। उसका मतलब हाफ ऑफ द बेस लेंथ इज अ ओनली पाई। बाद में हमें इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन है उसका जो इंटरवल है वो है 0 to π ओनली, बिकॉज इधर देर इज मेंशन कि हाफ साइकिल ओनली, हमें सिर्फ हाफ साइकिल कंसिडर करना है। तो 0 to π इज अ हाफ साइकिल। उसके बाद इक्वेशन ऑफ साइकिल लिखना है, तो हमारा जो इक्वेशन है वो है वी एम इन टू साइन ऑफ थीटा इन टू डी थीटा ऑन एक्स एक्सिस देर इज थीटा, सो वी हैव टू मैंशन डी थीटा हियर। हमें वो सॉल्व करना है एज वी आर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स फॉर इंजीनियरिंग, एंड इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड है। तो यू कैन यूज़ यूअर कैलकुलेटर। ये जो एंगल दिया है 0 है, ये पाई है, वो रेडियंस में है, तो उसके वजह से अपना कैलकुलेटर रेडियंस मोड में डालो और चेक द आंसर कितना आ रहा है। लेकिन वो करने से पहले ये जो वी एम है वेरिएबल है उसको मैं बाहर लेता हूँ, एंड ये जो इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू कितना आता है और मैं ढूंढता हूँ। यूज़ यूअर कैलकुलेटर एंड गेट द आंसर। ये जो इंटीग्रेशन पार्ट है वी एम आउटसाइड लेना है, उसमें जो भी पार्ट रहेगा उसका वैल्यू आया है 2.0। सो उसके बाद वी एम लिखो एज इट इज़ 2 / π, जिसका आंसर हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सो एवरेज जो वैल्यू है वो आ जाएगा 0.637 इंटू वी एम। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेवफॉर्म आता है 0.637 मल्टीप्लाई पीक वैल्यू। तो इस तरह हमने फाइंड किया एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेवफॉर्म। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा वेवफॉर्म लेने वाले हैं और उसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो भी ढूंढेंगे।